नीचे मत आना राजा, बस ये देखो धुआं देख रहे हो प्रधान। हम टू व्हील ही नहीं फोर व्हील को भी उठा सकते हैं, ले तेरी। ड्रम पे ड्रम खाली हो रहा है, बताओ। फोर व्हील भाई सलामी दे रहा। लाइट भाई बहुत तगड़ा है, ऐसे स्क्रेच भाई ट्रैक्टर की जान ले लेते हैं। मैं गड्ढे को भर रहा हूँ या बड़ा कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। नया दिन नई सुबह, और सबसे पहले ट्रैक्टर की साफ सफाई अभियान किया जा रहा है। साफ होने के बाद इसमें टंकी फुल करना पड़ेगा, या तो ये ड्रम से डालेंगे या फिर पंप से डलवाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रम में भी डीजल कम ही होगा है अभी। तो देखते हैं इसमें डीजल डलाते हैं। इसके फ्रंट मडगार्ड भी जो मैं कल बता रहा था वो भी आ चुके हैं अपने यहीं पे, जो पास वाला शोरूम है वहाँ पे इसका सामान आ चुका है। अब देखते हैं आज अगर टाइम मिला तो डलवाएंगे, नहीं तो आज तो हमें तोता चलाना है। उसके बाद में इस ट्रैक्टर में भी फंसाते हैं, कहाँ गया ये वाला, तुम कहते हैं रेड हल्क नहीं चलाते, रेड हल्क को भी निकालते हैं और इसमें भी कल्टीवेटर फंसाएंगे। फिर एक पूछा गया, अब दूसरे की बारी। ये कह रही बहुत ज़ोर से कि धो दो, पर मैं कहीं सोरू जहाँ भी फंसी हो या निकाली कैसी हो इतना वजन का करके। देख चमक तो है इसमें, इसका पेंट क्वालिटी, ये जो 11 मॉडल है जैसे अपने पास स्वराज पुराना मॉडल है, नए स्वराजों की क्वालिटी में दिक्कत है ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। आज इसको 11 साल हो गए यार, और पेंट आज भी देखो हैं कितना रग रग चमकता है अभी तो। ये जब पूछेगा ना तो और चमकेगा, मतलब अपने जो जॉन डियर है, जैसे जॉन डियर की क्वालिटी अच्छी बताते ना, उससे बेस्ट पेंट है इसका। जो मर्जी अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो वो भी बता दूंगा, कैसे सुनू है कि नहीं। ये पासों मत खींचा कर, ऐसे खींचना से स्क्रैच आए। इसमें तुम्हें कई जंग का निशान नहीं दिखेगा, एक कतरा जंग का नहीं दिखेगा, जबकि जॉन डियर से ज़्यादा चला है 35 भी, और खैर चल रही है वो तो, अभी जॉन डियर तो नया, जॉन डियर में तुम्हें दिख जाएगा कहीं कहीं पर यहाँ पर जैसे उसमें जंग दिखेगा, नए स्वराजों में भी दिख जाएगा, मतलब नए तो बहुत सारी कंपनियों में ऐसे आपको मिस्टेक दिख जाएगी। इसमें कहीं से कहीं तक तुम्हें एक वो नहीं दिखेगा जंग का निशान, जहाँ मर्जी देख लो। अभी तो ये खड़ा भी है ना, कितने दिन से ज़्यादा चला भी नहीं, उसके बाद भी देखो, और शायद धोया भी था तू है ना, उसके बाद जंग का कोई कतरा ना, हल्क ही कहते। और जो फील इस पे बैठ के है, मतलब इस पे जब ऐसे बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है ये जॉन डियर से बड़ा है। क्यों? क्योंकि स्वराज कोई सा भी हुआ, स्वराज की जो बैठक है वो भाई ऐसे ऊपर रहती है, ऐसा मडगार्ड इसका नीचे है और जॉन डियर का मडगार्ड यहाँ पे है। सीट बहुत ज़्यादा गड्ढे में, तो उसकी कैनोपी भी बहुत ऊपर लगती है, इसकी कैनोपी जितनी होनी चाहिए। हाँ गड्ढे में बैठक जेडी की आती है, हालांकि वो कंफर्टेबल है इससे थोड़ी सी, ये बात भी मानने की, जैसे मैंने कल चला है तो। लेकिन जैसे अगर राजाओं वाली फीलिंग चाहिए, जैसे ट्रॉली वगैरह पे चल रहा है, मतलब दिखने वाली चीज़, तो भाई वो इसमें है। इसकी जब रोड पे से निकल के जाए तो वो चीज़ अलग ही, और इस पे आदमी बैठा हुआ भी अलग से दिखता है, क्योंकि इसकी सीट बहुत ऊंची है, उसकी गड्ढे में है। सोनू आज मानने को राजी नहीं है, जिसके पीछे ये एक है, यहीं खोल दीजिए, वो जोड़ेगा कल्टीवेटर। जय रेड हल्क महाराज की जय हो। चल राज्य आवाज सुनियो प्रधान आवाज। हाय 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 हाय, खा गया डीजल साड़े। यो इसको फुल किया था, ये सिर्फ ट्रॉली में चला होगा शायद, थोड़ा बहुत कोई लेके गया हो तो। उसके बाद इसकी इतना मीटर कैसे उतर रहा है। ये रेड कलर का जो ढक्कन दिख रहा है, रेड हल्की बॉटल चोरी गई थी, इसलिए हमने इसमें इसकी वापस रख दी ग्रीन कलर की। और उसमें एक ये चीज़ अच्छी है कि उसमें 2 लीटर तक की बॉटल आराम से आ जाती है, उसमें सिर्फ 1 ही लीटर की आती है। अब इस पर ऐसे वो चढ़ाना पड़ेगा कपड़ा टाट का, थोड़ा पतला सा था कि इसके अंदर भी घुस जाए। देख तो बढ़िया, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। ये रेड हल्की सप्रेम भेट पर हम डीजल डाल लें, पहले ऐसे डीजल डालना पड़ेगा यार। यहाँ तक नली पूरा ही, तो इसका रिवर्स लगाओ फिर, इसको पुर जाएगी यार थरो। ड्रम पे ड्रम खाली हो रहा है, बताओ। एक ड्रम खाली, अब बेचारे छोटे ड्रम के ऊपर लदा गए हम, वो भी पी जाएगा। 3-4 डंडे तो आ गए यार उसके, वो देखो वो आ गए 3-4 डंडे, फुल हो जाएगा बस डीजल से नहा लिया ये तो। और ये भी भरा ही गया, वो देखो बस इसका ये ना थोड़ा सा बड़ा होना था, मतलब एक साथ जब डीजल डालते हैं तो इधर उधर गिरता है,
क्योंकि इसमें जाली लगी है। अभी जाली सही से डीजल को जाने नहीं देती। ये पूरा खेत और ये हल्क, ये हो गया चालू। धुआं देख रहे हो प्रधान? ये चले भी तो सीधा हाई गियर में ही, लो का तो कोई कालम ही नहीं है। बस गहराई अपने को ज़्यादा करनी नहीं है। और ये मेरे को लग रहा है कि अच्छा गहराई चला रहा है, क्योंकि तोता अपने गहरा किया है तो फिर इसमें गहराई की जरूरत ही क्या है। इसमें तो भगाना ही है, लेकिन फिर भी ये लगा के ही चला आएगा। खेत पूरा हरा भरा सा हो गया। इसको हम आड़ा भी कर सकते थे, दूर से ही पता लगता भाई कि कोई चीज़ चल रही है। इतनी आवाज़, वो भी प्यारी आवाज़। कितने बज गए? 9:52, जो मैंने अपना काम छोड़ के आया था वो काम भी फटाफट से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि वैसे उधर खेत तो अपना ज़्यादा है, लेकिन जितना छोड़ के आया था ना वो मैं ख़त्म करके आता हूँ। धूप भी तेज़ होने लगी, 9:10 ही बजने वाली है, वो ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद नीचे भी अपना खेत है, लेकिन मुझे लगता वहाँ चलेगा नहीं, वहाँ पर गीला ज़्यादा है। बाकी जितना हो सकता है, जितना सूखा सूखा है वो तो भाई मैं सोच रहा हूँ निपटा ही देते हैं, क्योंकि बारिश बारिश गिरने लगेगी तो फिर काम अपना बंद हो जाएगा। इसलिए जब तक धूप है तब तक भाई काम ख़त्म कर लो फटाफट। देखते हैं आज खाना भी वही मंगवाएंगे, नहीं तो खेत में पानी की बोतल वो रखी जाए, और इसमें रखने की जगह भी एक तो कम है। इसकी चाबी चालू पड़ी है जब से अपन ने डीजल डाला था, करीबन 1 घंटे से। बताओ यार, तुम्हारे ने चश्मा पहन लिया और लगा दिया तीजा गेयर। अब चलते हैं फटाफट से। पहुंच गए भाई अपने खेतों की साइड, और इतना सा कोना छोड़ के गया था मैं, छोटा सा। मेरे को याद भी नहीं था कि मैंने कितना छोड़ के गया रात में, बताओ। मैं भूल भी गया था इतना सा, फिर भी 2 घंटा लगभग तो लग जाएगा इसमें। चढ़ जा सिम सिम ना, 2 घंटे लग जाएगा भाई, क्योंकि इसको करना इतने को, उसके बाद में फिर इसका कावा मेर साइड, उसके बाद में अपने इधर भी जो खेत हैं वो भी रहे, उनमें भी चला के देखेंगे। अगर ये चलेगा तो चला देंगे। अब जैसे भाई ये बड़ा सा गड्ढा है, लेकिन अपने पास 4-व्हील ट्रैक्टर है तो भाई अपन इसमें कुदा सकते हैं। वो तेरी भैंस की यार, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पर इसके टायर ही टेढ़े ताड़े होंगे भाई, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये। उल्टे तीर ले लिए, ओहो चल गया। लेकिन तेरे को भर के तो रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ओए मट्टी देखो, कोई बात नहीं, फिर से एक बार पूछो। मैं गड्ढे को भर रहा हूँ या बड़ा कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, इसको थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ेगा। आप पूरा लगा दो, ये जो कोना बन जाता है ना भाई, इसमें बहुत दिक्कत आती है। और अगर मान लो ऐसे बड़ा ट्रैक्टर और खेत छोटा हो ना, फिर तो इतनी दिक्कत होगी मत पूछो। मैंने 3 वो बना दिए, हम 2-व्हील ही नहीं 4-व्हील को भी उठा सकते हैं। ले तेरी और क्या चाहिए, ढाई तो आरोपी डला रखा और ऊंचा होगा। उतरू कैसे? हाय 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 हाय, टांग दिता 4-व्हील को भी।
बताओ लोग बाग टू व्हील खड़ा कर रहे हैं, यहाँ फोर व्हील खड़ा कर दिया और वो भी बहुत ज़्यादा। मतलब ये कहाँ गया, नीचे मत आना राजा। बस ये देखो इतनी ऊपर, ये ऐसे स्क्रैच भाई ट्रैक्टर की जान ले लेते हैं। अब मैं हूँ तो हटा रहा हूँ, अगर और कोई होता और इसको चलाता तो ये इस पे 100 पे पूरा वो हो जाता स्क्रैच। सेंसर में जाके लग रहा है ये। हो गया भाई पूरा खेत खत्म, पूरे खेत को अपन ने ब्लैक कर दिया। और अब चल लिए हम खेत से बाहर दूसरे टुकड़े में, इसको चला के देखते हैं, अगर वो कम गीला होगा उसमें चल जाएगा तो फिर जब तक चलेगा तब तक चला देंगे। टाइम हो चुका है, बता दे रानी ऐसा गुस्सा नहीं करते, 11:49 चला के तो देखते हैं क्या होता है। धूप भी भाई इतनी तेज़ निकलती है और हवा चलना बिल्कुल बंद हो जाता है। सबसे पहले इस रास्ते को अपन ने 2-3 बार इस फोर व्हील को लेके गए थे सर को, इसको इतना टाइट कर दिया होगा मत पूछो। सबसे पहले इसको बखरते हैं, इसके बाद में इधर भूस के ढेर भी है, ये बखरना है वो बखरना है, अभी तो बहुत काम बाकी है बेटा। रेडल नहीं जोंडियर तेरा, रेडल तो उधर चल रहा हूँ। 735 को बुला के ये भूस भात सारा भरवाना पड़ेगा या फिर इनमें आग लगा दो, दो ऑप्शन है अपने पास। अभी ये चल रहा है हनुमान गेयर में, एक तो इतना नीचे बैठा रहता है, अरे मट्टी फंस गई रे उसमें। ये खेत में भाई मात्र इधर इधर चलेगा, मैं सोच रहा हूँ इतना कोना ही भर देता हूँ, जितना खत्म करो उतना ही सही, क्योंकि ये गीला ज्यादा है, स्लीपिंग ज्यादा हो रही है, गीला ज़्यादा होने से भाई स्लीपिंग ज़्यादा हो रही इसकी। और उधर तो चलेगा भी नहीं क्योंकि इसमें मिट्टी फंसने लगेगी और भूस भी आ जाएगा अपना। इतना ख़त्म कर देते हैं वही बहुत है, तब तक अपने को 1 घंटा लगभग लग जाएगा। फिर चलते हैं रेडन के पास भी दे। और एक और खेत है जिसको सोनू ने आधा छोड़ के आया था, उसके बाद इस ट्रैक्टर को उसमें ले चलेंगे, मतलब फिर अपने 2 खेत कंप्लीट हो जाएंगे। ऊपर वाला मैंने ख़त्म कर दिया, ये रहा रहेगा भाई इधर का, लेकिन इधर अभी भूस उठाना है और ये सूखने में कम से कम 3-4 दिन लगेंगे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है इसका। तोवा गेट कितना अजीब लग रहा, इसको कहाँ खड़ा करूँ। रेडल पता नहीं शायद दूसरे खेत में निकल लिया भाई, ये खेत तो खत्म कर दिया यार पूरा, स्पीड घनी है उसकी भी। क्या ढम ढम की आवाज़ आ रही थी भाई डीजे की, क्या करो हमारे ट्रैक्टर में तो डीजे है ही नहीं। पूरा खेत ख़त्म कर दिया, मतलब ये ट्रैक्टर अब अपने पास ऐसे हो गए, ये डीजल और खेत दोनों को ख़त्म नहीं करते, खा जाते हैं। पूरा खेत ख़त्म, अब उस साइड। 3 hours later शाम का टाइम, वापस इनको लेके चलते हैं खेत में, लेकिन भारी दिक्कत आ गई, इसकी टापलिन स्लिप हो गई एक साइड से, इधर की साइड से गई, इधर से हुई थी पहले तो इसमें हमने इतना मोटा बोल्ट रखवा दिया था, अब इधर ग्लेंडर से काट के यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। 735 सिर्फ ये ड्यूटी पे रहता है ट्रॉली वाली, इसको लेके चले या फिर रेडल को लेके चले, 2 ऑप्शन है आज अपने पास, कौन सा ऑप्शन चूज करें। तीसरे नंबर का इधर लकड़ी लुकड़ी ढोने में लगा है, खेत को भी डबल करना है, हमारा आदमी मान नहीं रहा। किसान भाई से हम जानते हैं क्या हुआ, आप खेत क्यों नहीं डबल करने जा रहे, हमारी टापलिन टूट गई, तो क्या कहना है, वो टापलिन को लेके चले ना, वो टापलिन को अभी लेके जाएंगे ना बोला है। तो अगर तू धरो मन है कि मैं तो सिर्फ कल्ला जोंडियर चलूंगा तो तू जा, मैं फिर ऐसा कर दूंगा। अभी जा ही रहा नहीं हूं, सुधर ही रहा नहीं तो मैं जाऊं फिर, है कि नहीं। ओके मैं जाता हूं जोंडियर लेके, तुम चलाओ स्वराज तो रात में भी चल जाएगा नहीं अपना पत्ता, मतलब वो जो खेत में चल रहा वो तो साफ है, नहीं चल रहा नहीं चल। अब एक तो हमारी दिक्कत ऐसे ये चारा है ना तो रात में ओस गिरने लगती है, रात में ट्रैक्टर चल नहीं रहे, सिर्फ दिन दिन का प्रोग्राम है। 4:51 बताओ 5 बजे खेत में जा रहे, एक
प्यारी प्यारी शाम और प्यारे प्यारे ट्रैक्टर को लेके हम निकल लिए। जल्दी बताओ कसो लग रहो। अच्छा अच्छा लग रहो झका झक लगे था देख नहीं। लो जी पहुंच चुके हैं खेत में। एक ये वाला टुकड़ा खत्म कर रहा हूँ अपने को, उसके बाद में सोनू ने वहां तक कर दिया था वो छूटा है। अब मेरे को नहीं लग रहा है भाई ये खत्म। अरे यार मैंने इसको फोर व्हील में तो डाला ही नहीं। फोर व्हील में नीचे लगता है ऊपर लगता है यार। हाँ लग गया बताओ। फोर व्हील में डालना भूल गया मैं। देखते हैं कब तक खत्म होता है। 5:15 तो हो गई है और उधर 855 अपना चलेगा वो खत्म करने की कोशिश करेगा। खैर उससे ख़त्म नहीं होगा क्योंकि खेत उधर वो तेरी भैंस की आज जड़ में फंसा। ये तोते को अभी मैंने करवा के लाया सही, ऐसा जड़ में इसकी कैसी हो जाएगी। एक टुकड़ा भाई ये वाला जो था वो पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। अब बारी है इसको और ख़त्म करना है। ये वो वहाँ तक है 6:20 हो गई। मैंने कुछ इस तरह से ये बांधा जैसे बिल्कुल प्रॉपर किसान नहीं बांधते ताकि इससे फटाफट ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं घर। तो रात में भी चलाएंगे इसको। देख रहे हो रात में भी बिल्कुल सीधा कावा निकाला मैंने हैं बिल्कुल सीधा। इसके कंपनी फिटेड लाइट इतने तगड़े हैं। अभी जस्ट मैंने खेत खत्म किया आप देखना है कितना अंधेरा है। ठीक है ये मैंने किया पापर ये किया डीपर। लाइट तो भाई बहुत तगड़ा है बहुत तगड़ा मज़ेदार। चलो चलते हैं घर और इसको डालते हैं D3 डाल दिया सीधा। रेड हल्क चल रहा है या नहीं चल रहा पता नहीं। सोनू शायद चला तो रहा होगा। 8:11 हो गई। फटाफट से पहुंचते हैं घर। डिपर कर दूँ ना तो इसको कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो है खतरनाक लाइट। हम तो पहुंच लिए भाई घर और वो उधर रेड हल्क दहाड़ मार रहा। वो जो LED लाइट दिख रही है ना बहुत सारी वो हल्की है भाई हल्की ही है वो।